स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 10 का जो रिजल्ट है वह कुछ ही दिनों में आने वाला है, यानी कि कुछ ही दिनों में आपके क्लास 10 का जो रिजल्ट है वह आ जाएगा, आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्लास 10 के बाद क्या करना है, क्या आपने सोचा कि आखिर क्लास 10 के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि देखिए, अभी तक आप एक सीधे रास्ते में चल रहे थे, लेकिन क्लास 10 के बाद आपको कई रास्ते मिलेंगे, आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से आप किस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, किस ऑप्शन पे आपका कैरियर आपका बेस्ट होगा, तो इसके बारे में यदि अभी तक आपने नहीं सोचा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10 के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शन में आज जाना आपके लिए बेस्ट होगा, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी इसके बारे में जानकारी ले सकें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो बनाएं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको जरूर पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि क्लास 10 के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, मेनली हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 के बाद या तो स्टूडेंट जो है वह साइंस रखता है, या फिर आर्ट्स रखता है, या फिर कॉमर्स रखता है। अभी मेरे हम लोग जो है जनरली तीन ही ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि क्लास 10 के बाद हमें 12 लेना है, 12 में या तो साइंस रखना है, फिर मैथ, या फिर आर्ट्स रखना है, या फिर कॉमर्स रखना है। लेकिन इतना ही नहीं, क्लास 10 के बाद ये तो हुए जो कि आपके स्टेट लेवल में आपके तीन सब्जेक्ट हैं, तीन ऑप्शन हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऑप्शन हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉलिटेक्निक होता है, ITI होता है, इस तरह से और भी बहुत टाइप के डिप्लोमा होते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पर हम जानेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जी हाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक जो है हर एक गवर्नमेंट लेती है, कह सकते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, 2 वर्ष का होता है, जिसमें कि आपको बेसिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आप कंपनी में प्राइवेट जॉब ले सकते हैं, या फिर इसके बाद आप BTech में लेटरल एंट्री के माध्यम से भी जा सकते हैं। आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वह नेवी, आर्मी या एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, जी हाँ, नेवी, आर्मी या एयरफोर्स को आप क्लास 10 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए एग्ज़ाम्स ली जाती है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा, आप उन्हें फिलअप करके एग्ज़ाम में पियर होके फिजिकल पास करके आप उनमें जा सकते हैं। हमारा जो अगला है वह है फाइन आर्ट या फिर कॉमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा। देखिए, फाइन आर्ट और कॉमर्शियल आर्ट क्या है, देखिए कोई भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ है या फिर कोई भी चीज़ के डिज़ाइनिंग जो होता है कोई भी आर्ट्स का, तो उसमें यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, यदि आप किसी आर्ट में अच्छे हैं, जैसे कि आप कोई भी नई चीज़ बनाने के इच्छुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, आप उसे आसानी से कर सकते हैं, तो फिर आप फाइन आर्ट या फिर कॉमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा ले सकते हैं। हमारा अगला जो है वो ITI है। देखिए, ITI पहले नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ITI बहुत फेमस हो गई है और बहुत पॉपुलर भी बन गई है, और साथ में हमारी जो गवर्नमेंट है वह भी ITI को बढ़ावा दे रही है। ITI क्या है, ITI आपका एक टाइप का ट्रेनिंग है, आपका एक टाइप का या वोकेशनल ट्रेनिंग है, जिसमें कि आपको कारपेंटर से संबंधित ट्रेनिंग दी जाते हैं, वेल्डर से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप इसे भी क्लास 10 के बाद ले सकते हैं, इसके भी एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए भी आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो, या फिर प्राइवेट में भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं जो कि आपको ये कराते हैं, तो आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। हमारा अगला है बैंक इंश्योरेंस में जो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम होता है वह, तो आप बैंक या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है आप वहाँ पर क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए फॉर्म जो आती है आप उसे फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन है डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक। देखिए, यदि आप को डांस पसंद है, यदि आप डांस अच्छे से कर लेते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है, या फिर आप म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में या फिर गाना गाने में, तो आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा इन म्यूजिक या फिर डिप्लोमा इन डांस में पार्टिसिपेट करें। इससे ये आपके फ्यूचर में हेल्पफुल होगा और ये आपको उस क्षेत्र में आगे तक ले जाएगी। हमारी जो अगली है वह है डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट। तो फार्म मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा, तो फार्म मैनेजमेंट में क्या, देखिए फार्म मैनेजमेंट में जो भी पशुपालन से संबंधित है, यानी कहीं पे भी देखिए आप मधुमक्खी पालन होता है, कहीं पर बकरी पालन, गाय पालन, मवेशी पालन, तो यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, यदि पालन में इंटरेस्ट लेता है, यदि आप उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्होंने डिप्लोमा कर सकते हैं कि डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट में। अगला हमारे पास है डिप्लोमा इन इंटीरियर।
देखिए, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी ऑफिस बनता है, कोई भी घर बनता है, तो उसका जो इंटीरियर डिज़ाइन होता है रूम का, वो आप देखते होंगे आपको मूवी में एक से एक इंटीरियर डिज़ाइन दिखाए जाते हैं। तो आप यदि उसमें डिप्लोमा करना चाहते हैं, यदि आप सजावट में इंटरेस्ट हैं, अच्छे से रूम को सजाते हैं, तो आप इनमें डिप्लोमा कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज इसके जो फील्ड हैं वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट हैं वो बहुत कम जाते हैं। तो यदि आप इसे जाते हैं तो करियर के लिए आपका एक बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला जो हमारे पास है वह है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। देखिए, स्टेनोग्राफी होता है टाइपिंग से संबंधित। जैसे कहीं पे कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे देखिएगा टाइपिंग बहुत स्पीड करना चाहता है, वहाँ पे शॉर्ट हैंड राइटिंग के माध्यम से उन रिपोर्ट को लिया जाता है। तो आप उसमें भी यदि अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन सभी फील्ड में जो है आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम है, और साथ में जो आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स है उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, और साथ में इससे आपको डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होता। इसके बाद भी आपको कोई दूसरे कोर्सेस करने पड़ते हैं या फिर एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद हमारा है डिप्लोमा इन सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो यदि आप प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हैं। ये भी आपके क्लास 10 के बाद है। हमारा अगला होता है डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर। देखिए, ब्यूटी कल्चर मतलब होता है जैसे कि पार्लर, टैटू बनाना, सैलून, ये सब हम ब्यूटी में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप या कर सकते हैं, इससे आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। हमारी अगली है डिप्लोमा इन हेयर डिजाइनिंग। देखिए, आजकल ये जो फील्ड है हेयर डिजाइनिंग का बहुत अधिक बढ़ रहा है, चाहे कोई भी समारोह है वहाँ पे हेयर डिजाइनिंग आजकल बहुत अधिक डिमांड में है। तो इसलिए यदि आप इसे भी अपने एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं कि डिप्लोमा इन हेयर डिजाइनिंग। हमारा अगला है कि डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी। देखिए, आजकल जब बाजार में कपड़े कई कई तरह के आ चुके हैं, जो नए कपड़े आते हैं उसकी डिमांड बहुत तेज से हो जाती है, तो कपड़े की जो डिजाइनिंग होती है, उसे जो तैयार करने का प्रोसेस होते हैं, यदि आप उसमें अपने करियर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यह ले सकते हैं डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी को। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जिसे कि शॉर्ट में DCA बोला जाता है, जो कि लगभग स्टूडेंट लेते हैं। यदि आप कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर रिपेयर करना चाहते हैं या फिर कोई भी जॉब लेना चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, तो आपके लिए DCA एसेंशियल हो जाता है। तो यदि आप DCA भी ले सकते हैं तो ये भी आपके 10th के बाद आपके ऑप्शन में शामिल हो जाता है। उसके बाद अगला है जॉब। 10th के बाद भी बहुत से जॉब्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब हैं, जो कि सरकार ऑफर करती है, जो कि क्लास 10 के बाद ले सकते हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन से जॉब हैं जो कि क्लास 10 के बाद आप ले सकते हैं? तो देखिए, इसमें आप SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो MTS है, मल्टी लेवल स्टाफ का जॉब है, वो आप क्लास 10 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। SSC के वेबसाइट पे SSC हर साल इसके लिए वैकेंसी निकालती है, तो आप यहाँ से SSC MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो अगला है वह है DRDO में MTS का। तो DRDO भी MTS का एग्जाम लेती है, लेकिन हर साल नहीं होती है, कभी कभी होती है। तो यदि आप DRDO में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं MTS मल्टी लेवल स्टाफ के तौर पर। हमारा अगला है रेलवे में ग्रुप डी का और अप्रेंटिस का। तो रेलवे में यदि आप ग्रुप डी और अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वह क्लास 10 होता है। तो यानी कि क्लास 10 के बाद आप रेलवे में ग्रुप डी के में शामिल हो सकते हैं। हमारी अगला है जेल कांस्टेबल या फिर प्रहरी। देखिए, हर एक जेल में जेल कांस्टेबल होता है, प्रहरी होता है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो आप उसके लिए भी क्लास 10 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप स्किल ट्रेड्समैन के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, पटवारी के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, पटवारी का जो जॉब आता है उसमें। लेकिन पटवारी जो होती है हर स्टेट में नहीं होती है, किसी स्टेट में पटवारी होती है, किसी स्टेट में पटवारी नहीं होती है। अगला है फॉरेस्ट गार्ड का। तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती रहती है, फॉरेस्ट गार्ड भी क्लास 10 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका एग्जाम्स होता है, एग्जाम यदि आप क्लियर कर जाते हैं तो ये आपका जॉब हो जाता है। उसके बाद अगला है जेल बंदी रक्षक। तो जेल बंदी रक्षक के भी तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद भी आपके बहुत से जॉब ऑप्शन अभी अवेलेबल हो जाते हैं क्लास 10 के बाद। तो इनमें से जो आपका बेस्ट ऑप्शन लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने अभी बताया जो एक्स्ट्रा है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बाद। तो इसके बाद हम जानते हैं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बाद हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या लेना हमारे पास हेल्पफुल होता है, साइंस के बाद हमारे पास करियर में क्या ऑप्शन होते हैं, यदि हम आर्ट्स लेते हैं तो क्या ऑप्शन होते हैं, और कॉमर्स लेते हैं तो क्या ऑप्शन लेते हैं। तो साइंस, देखिए साइंस जो होता है वो तीन फॉर्मेट में लिया जाता है। पहला साइंस होता है मैथ और बायोलॉजी के साथ। देखिए, यदि आप साइंस लेते हैं तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री एसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री रखना ही है। तो पहला जो है वो इसमें मैथ और बायोलॉजी आपका दोनों होगा। दूसरा है कि केवल सिंगल मैथ, और तीसरा हो सकता है कि केवल आप बायोलॉजी लें। यानी कि पहला हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस बायोलॉजी, दूसरा हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ, तीसरा हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, और आपका जो लैंग्वेज आता है वो तो आपका हर एक में रहेगा ही, और साथ में आपका जो है
एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मैथ प्लस बायोलॉजी है उसमें हमारे पास आगे क्या ऑप्शंस होते हैं और उसके लिए हमें क्या तो मैथ प्लस बायोलॉजी के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। तो देखिए, यदि आप मैथ प्लस बायोलॉजी दोनों हो लेते हैं तो आप इसके बाद बीएससी कर सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में। डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित टेक्नोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हैं। आपके पास अगला ऑप्शन होता है कि आप फार्मेसी कर सकते हैं बैचलर डिग्री, यानी बी फार्मा आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होगा कि आपको बीटेक इन एग्रीकल्चरल कर ले सकते हैं, यानी कि यदि एग्रीकल्चरल सेक्टर में यदि आप बीटेक करना चाहते हैं बैचलर टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। अगला होता है बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी, तो बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यदि आपके पास मैथ प्लस बायोलॉजी का ऑप्शन है तो। उसके बाद है बीएससी इन एग्रीकल्चर, क्या है बीएससी इन एग्रीकल्चर, क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बीएससी यहां से कर सकते हैं। तो यह था हमारे पास ऑप्शन मैथ प्लस बायोलॉजी के, या मेजर ऑप्शन है, इसके बाद भी बहुत से ऑप्शन है जो मेजर ऑप्शन है जिन्हें कि लगभग लोग पसंद करते हैं, इसे चूज करते हैं, तो यह थे। अगले हैं यदि आप मैथ लेते हैं, तो देखिए यदि आप मैथ लेते हैं तो सबसे पहले आप डिफेंस में जा सकते हैं, यानी कि ट्वेल्थ के बाद आप एनडीए में जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में आप जा सकते हैं यदि आपने लिया है मैथ। ठीक है, उसके बाद अगला है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन, यदि आप मैथ लिए हैं तो बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन, यानी कि कोई भी चीज़ का जो प्लान बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और कोई भी चीज़ का डिज़ाइनिंग जो होता है, यदि आपने मैथ लिया है अपने ट्वेल्थ में साइंस के तौर पे, तो आप यह ले सकते हैं। अगला हमारे पास हो जाता है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, तो यदि आप भारतीय सेना में टेक्निकल एंट्री लेना चाहते हैं तो यह से ले सकते हैं, यदि आपके ट्वेल्थ में मैथ हैं साइंस के तौर पर तो टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। ठीक है, अगला है बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग, यदि आपने बी मैथ से अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, यदि आपने आईएससी किया है मैथ से, तो आप बी कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। हमारे पास अगला हो जाता है बीटेक, यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, तो बीटेक यदि आप करना चाहते हैं तो आईआईटी से, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है आईटी जेई प्लस एडवांस का, आप उस एग्जाम को क्रैक करने के आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, एआई ट्रिपल ई में एडमिशन ले सकते हैं, एनआईटी में आप वहां से एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास अगला होता है फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, यदि आप फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, यदि आप फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ट्वेल्थ में मैथ के तौर पर साइंस ले सकते हैं, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है होटल मैनेजमेंट का, यदि आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हैं, होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ट्वेल्थ में साइंस में मैथ लीजिए, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो चलिए उसके बाद जानते हैं मैथ के बाद यदि हम बायोलॉजी लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रह जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि यदि आप आईएससी साइंस जो लेते हैं, यदि आप उसमें बायोलॉजी लेते हैं अपना कोर सब्जेक्ट, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रह जाते हैं आगे। तो देखिए, उसके बाद आप बीए एमएस कर सकते हैं। बीए एमएस क्या होता है, बीए एमएस होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यदि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में सर्जरी या फिर मेडिसिन में बैचलर करना चाहते हैं आयुर्वेदिक में, तो आप बीए एमएस ले सकते हैं यदि आपने बायोलॉजी के तौर पर अपना साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है आईएससी यानी कि ट्वेल्थ में। अगला हो जाता है बीएचएमएस, बीएचएमएस होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें यदि आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप यह ऑप्शन चूज कर सकते हैं साइंस में बायोलॉजी का। हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन हो जाता है वह होता है बीवीएससी, बीवीएससी क्या होता है, यह होता है बैचलर इन वेटरनरी साइंस, यदि आप वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस होता है रिलेटेड टू जो भी एनिमल्स हैं, तो एनिमल से रिलेटेड यदि आप साइंस लेना चाहते हैं, मेरे एनिमल से रिलेटेड यदि आप डॉक्टर की डिग्री लेना चाहते हैं, चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो आप बी वी एस सी कर सकते हैं यदि आपका साइंस है तो। अगला है बी डी एस, ये होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो डेंटल सर्जरी जो डेंटिस्ट होते हैं, यदि आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप यदि साइंस लिए हैं ट्वेल्थ में, तो आप यह बन सकते हैं, तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। अगला हमारे पास है पारामेडिकल कोर्स, यदि आप पारामेडिकल संबंधी कोर्स करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि आपको यह करना होगा, तो यदि आपका ट्वेल्थ में साइंस है आईएससी के तौर पर भी पारामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। हमारे पास अगला आता है बीएससी नर्सिंग, यदि आप नर्सिंग बीएससी करना चाहते हैं या फिर नर्सिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप यह बी या कर सकते हैं। अगला है बीएमएलटी, यानी कि बैचलर इन मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी,
यदि आप मेडिसिन जहाँ पे बनता है, यदि आप उस लैब में काम करना चाहते हैं, मेडिसिन बनाने वाले लैब में काम करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है BMLT, यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगला है BSc, होम साइंस में आप कर सकते हैं, BSc आप बॉटनी में कर सकते हैं, BSc आप माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, BSc आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, यदि यह आपके तौर पर था। तो चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि अभी तक तो साइंस देखा, अभी हम कॉमर्स लेते हैं, तो कॉमर्स के तौर पे हमारे पास कौन कौन से स्पेसिफिक क्षेत्र होते हैं, स्पेसिफिक फील्ड होते हैं जिसमें कि हम जा सकते हैं। तो कॉमर्स के तौर पर सबसे पहले आप है CA फाउंडेशन कर सकते हैं, यदि आपका कॉमर्स है तो CA की चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगला हमारे पास हो जाता है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यदि आपको बिजनेस में अपना करियर बनाना है तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है, उसके बाद आप BBA कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारे पास CS फाउंडेशन, यदि आप कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम करना चाहते हैं, कंपनी में सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप अपने 12th में कॉमर्स को सेलेक्ट करें। अगला हमारे पास हो जाता है BCA, तो देखिए BCA वही केवल कर सकते हैं जिसने मैथ प्लस इंग्लिश भी अपने 12th में कॉमर्स के साथ लिया हो। यदि आपने BCA अगर आपको करना है तो आपके लिए मैथ प्लस इंग्लिश एसेंशियल हो जाते हैं। उसके बाद होता है BE आर्किटेक्चर, बैचलर इन आर्किटेक्चर भी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इंग्लिश प्लस मैथ नेसेसरी हो जाते हैं बायोलॉजी के साथ। यदि आप बायोलॉजी लिए मैथ प्लस आप मैथ और यदि इंग्लिश भी लिए हुए तो आप BE आर्किटेक्चर कर सकते हैं, यानी बैचलर इन आर्किटेक्चर कर सकते हैं। हमारे पास अगला हो जाता है DEd करना, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगला है कॉल सेंटर, यदि आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं तो आप इसके बाद जा सकते हैं कॉल सेंटर में काम करने के लिए एज अ एक्सिक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाए यानी कि इंटर में यदि मैंने कॉमर्स लिया है तो उसके बाद मैं BCOM कर सकता हूं, ठीक है। तो ये फील्ड थे आपके साइंस और कॉमर्स के जो कि मैंने यहां पे बताया। उसके बाद हम अगले फील्ड पे चलते हैं, अगले अपने स्ट्रीम पे चलते हैं जो कि हमारा है आर्ट्स स्ट्रीम। तो आर्ट्स किन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, किस पोस्ट पे जाने के लिए आर्ट्स जरूरी होता है, ये अब जानते हैं कि आर्ट्स के तौर पे हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। देखिए यदि आप इंटर में आर्ट्स करते हैं, यानी कि यदि आपने IA किया है तो इसके बाद आप DEd कर सकते हैं, जैसे कि आपने कॉमर्स में बताया, आप कॉमर्स से भी कर सकते हैं, DEd साइंस से भी कर सकते हैं, आर्ट्स से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके लिए तीनों जगह ओपन है। उसके बाद आप BSW कर सकते हैं, BSW कहने का मतलब है कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, कि आप सोशल वर्क में बैचलर डिग्री कर सकते हैं, सामाजिक कार्य में आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं आर्ट्स के तौर पर। अगला आपके पास रहता है LLB का, यदि फाउंडेशन करना है, LLB यानी कि लॉ में यदि आपको करियर बनाना है, यदि आपको फाउंडेशन करना है तो LLB ले सकते हैं, आर्ट्स यदि आपने लिया है इंटर साइंस इंटर में तब, ठीक है। उसके बाद आप LLB कॉमर्स से भी कर सकते हैं और साथ में LLB आप साइंस से भी कर सकते हैं। अगला हमारे पास है फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, यदि आपको फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करना है या फिर आपको इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा करना है, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप 12th में आर्ट्स को चूज करें। अगला है BBA, तो BBA जैसे कि मैंने बताया कि आप कॉमर्स से भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप आर्ट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि आपके लिए मैथ होना चाहिए प्लस इंग्लिश। अगला है फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा, देखिए आजकल यह करियर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा, जैसे कि आप कोई चाइनीज लैंग्वेज में, फ्रेंसी लैंग्वेज में, तिब्बत लैंग्वेज में, स्पेनिश में, ये सब लैंग्वेज में यदि कोई डिप्लोमा करता है तो उसके लिए करियर के बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कॉल सेंटर में जॉब के लिए, ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर के जॉब के लिए, देखते हैं जैसे भी कोई व्यक्ति कोई भी नेता बाहर जाते हैं तो वह इतने अधिक लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो वह अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर स्पीच देते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेटर होता है दूसरे लैंग्वेज में से कन्वर्ट करता है, तो यह ऑप्शन आपके लिए एक होता है आर्ट्स के तौर पर फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा का। अगला है कॉल सेंटर में जॉब का, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। अगला है BArch, यदि आप मैथ प्लस इंग्लिश लेते हैं तो BE आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं एज ए आर्ट्स के तौर पर। तो देखिए ये सब थे स्पेसिफिक सब स्ट्रीम जो कि मैंने आपको बताया। अब इनमें एक खासियत क्या है कि मैक्सिमम लोग साइंस चूज करते हैं, वह है कि ठीक है अभी मैंने यहाँ पे कुछ चूज किया लेकिन जब बाद में हमें कुछ चीज़ चेंजिंग करना है, जैसे कि मैंने साइंस लिया लेकिन बाद में मैं साइंस कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ तो मैं आर्ट्स या फिर कॉमर्स में जा सकता हूँ, ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है साइंस के द्वारा। यानी कि साइंस लिया हुआ स्टूडेंट आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में जा सकता है, लेकिन कॉमर्स लिया हुआ स्टूडेंट केवल आर्ट्स में जा सकता है, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट के पास कोई भी कंडीशन ऑप्शन नहीं होते हैं, आर्ट्स का स्टूडेंट हमेशा आर्ट्स में ही रहेगा, इसलिए मैक्सिमम लोग चूज करते हैं। दूसरा बात यह है साइंस, देखिए साइंस जो है वह आपका एक खर्चीला सब्जेक्ट से बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइंस के लिए जो ट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वह एक नेसेसरी पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं एक लोअर बैकग्राउंड इकोनॉमिकल क्लास से हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो है वह
हमारी इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और साइंस लिए हुए स्टूडेंट यदि कैरियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें कोचिंग सेंटर्स की जरूरत बहुत अधिक होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि नेसेसरी हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा आपको करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि साइंस के लिए आपको इंग्लिश नेसेसरी है, क्योंकि यदि आप हिंदी में साइंस लेते हैं तो आपको आगे बहुत अधिक कठिनाई होगी, आपको जो एग्जाम्स होंगे आगे आप कहीं भी जाएंगे तो आपका इंग्लिश नेसेसरी होगा, साइंस में आपका करियर नहीं सिक्योर हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि ठीक है इतना मैंने लिया, उसके बाद जब जो स्ट्रीम लूँ वो मैं हिंदी में लूँ कि इंग्लिश में, यानी कि हमारा लैंग्वेज के तौर पे क्या ऑप्शन होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। देखिए आप इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यदि आप आगे फ्यूचर में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यदि अभी आप इंग्लिश में तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके जितने भी अच्छे ऑथर्स के जो बुक्स होते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश में ही अवेलेबल है। दूसरा पैटर्न, आप कोई भी यदि एग्जाम्स तैयार करते हैं, चाहे वो IIT का एडवांस का एग्जाम दें, आप BSc का एग्जाम दें, BBA का एग्जाम दें, CLAT का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, तो उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रेडी किया जाता है वो इंग्लिश में रेडी किया जाता है और बाद में उसे हिंदी, बंगाली और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ऐसा क्या होता है, कुछ इसमें एरर होते हैं, लेकिन अगर आपका इंग्लिश के कॉर पे है तो उसमें कोई एरर नहीं होता है, तो आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरे यदि आप कोई भी बड़े एग्जाम से तैयारी करना चाहते हैं, UPSC CDS की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश आपको एक हेल्पफुल होगा। और जो यदि आप SSC करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि SSC में इंग्लिश एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पर होता है, तो वहाँ पर भी इंग्लिश आपको हेल्पफुल होगा। इसलिए ये लैंग्वेज कोई इतना मैटर नहीं करता है कि कौन सा चूज करें, लेकिन इंग्लिश आपको आगे थोड़ी हेल्प जरूर करेगी, ठीक है। तो चलिए आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किन ऑप्शंस में अपने करियर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप इनमें से जो भी चूज करना चाहते हैं, वीडियो को पूरा अच्छा तरह से देख के समझ के चूज करें। और इतना ही ऑप्शन नहीं है, इसके बाद भी हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं, लेकिन जितना मेजर ऑप्शन था, जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने यहाँ पे बताया, आप नेट पे जाके उसके आगे भी सर्च कर सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पे आपको डिग्री बताई, जो ऑप्शंस बताए, आप उसको भी नेट से जब जाके चेक कर सकते हैं कि उसके बाद हमारे पास करियर में क्या ऑप्शंस आ जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पे बात करने के लिए। और यदि ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, आपके लिए नॉलेजफुल जानकारी इसने उपलब्ध कराई हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस प्रकार की पढ़ाई से संबंधित, जॉब से संबंधित, एग्जाम फॉर्म से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।